नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फ्रेश, आप देख रहे हैं टेक्स्ट इंडिया। आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हम किस तरह से स्टैटिक ऐप को विदाउट अपडेट किए उसमें इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपको कोई ऐप में इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है, जैसे कोई न्यूज़ का ऐप बना दिया आपने, तो न्यूज़ का ऐप बना दिया तो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन डेली का डेली डालना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आती है, आप ऐसे ऐप्स बना नहीं पाते जहाँ पे आप डेली के डेली अपडेट्स डाल सके। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि आप डेली के डेली अपडेट्स जल्द से जल्द बना सके। तो ये मैं यहाँ पे डेटाबेस के यूजिंग करूँगा, तो आप ये वीडियो ठीक से देखिएगा। और यहाँ पे मैं फास्ट देने वाला हूँ हमेशा की तरह, और ये हमारा 30 ट्यूटोरियल नंबर 6 होने वाला है इस ऐप डेवलपमेंट का। तो ठीक से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए हर चीज़ यहाँ पे, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपने अगर पुराने वीडियोज जो है वो देखे नहीं है तो देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे आगे आते वक्त, तो वो भी देख लीजिए। और आगे अब मैं डिटेल में बताऊंगा, वो भी आप देख लीजिएगा ठीक से। और वीडियो स्किप करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, आगे आपका ऐप बराबर नहीं बनेगा तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और यहाँ पे मैं ऐप का टेस्ट भी नहीं कराने वाला हूँ, तो ये याद रखिएगा कि ऐप का टेस्ट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। आप देख लीजिएगा, खुद ही बन जाएगा बराबर ऐप, तो देखते हैं वो किस तरह से बनता है और उसके बाद कैसे हम कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल करके इसे करते हैं और विदाउट कोडिंग हम इसे करेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है वो ऐप और किस तरह से हम बनाते हैं उस ऐप्स को, तो चलिए देखते हैं। तो आगे हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपके सामने जो दिख रहा है वो है thunkable.com, app.thunkable.com। तो अब यहाँ पे हम एक ऐप क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट द न्यू ऐप पे, जो आपके लेफ्ट साइड में होगा अपर साइड में थंकेबल के नीचे, यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट 1 डाल देता हूँ मैं, या फिर टेस्ट ही दे देता हूँ टेस्ट। ओके, यहाँ पे जो है टेस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है वो टेस्ट 1 का इंटरफेस जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे डिजाइनर सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन, दोनों सेक्शन भी नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अपने राइट साइड में, यहाँ पे अपर सबसे ऊपर है प्रॉपर्टीज़ में अबाउट स्क्रीन, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे आपके मन में जो है वो डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप, और ये तभी शो करेगा अबाउट स्क्रीन का सेक्शन, मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये टाइटल विजिबल का ऑप्शन जो सबसे नीचे होगा यहाँ पे, स्क्रीन 1 जो है किसी को भी नहीं चाहिए होगा, तो आप टाइटल में से स्क्रीन 1 डायरेक्टली अनविजिबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे विजिबल अनविजिबल हो जाएगा। और अगर आप इसे नीचे ले जाएंगे थोड़ा, तो यहाँ पे टाइटल विजिबल का जो ऑप्शन है, तो अगर आप इसको कट कर देंगे तो डायरेक्टली ये प्लेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस टाइटल विजिबल के ऑप्शन को रखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर कि यहाँ पे जा रहा है आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं रखूँगा तो यहाँ इस टाइटल विजिबल को मैं रख दूंगा यहाँ, तो यहाँ पे एक 3 बिंदी आएंगी और उस पर क्लिक करने के बाद एक इनबिल्ट स्टॉप एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप भूल गए एग्जिट बटन लगाना। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि पुराने वीडियोज देख लीजिएगा आई बटन पर क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अब आपको जैसा जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, पर जैसे आप यहाँ पे इनबिल्ट अगर आप ये रखेंगे, तो यहाँ पे इनबिल्ट एक स्टॉप और एक अबाउट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अबाउट एप्लीकेशन के ऑप्शन में जो मैंने यहाँ पे इतना डाला है ये शो होने लगेगा। तो अगर आपको ये रखना है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि आप यहाँ पे ये डाल दीजिए वगैरह कुछ तो भी। तो ठीक है, अगर आप बाकी चीज़ें देख लीजिए, साइजिंग जो है हमें यहाँ पे बैनर ऐड लगानी है तो बैनर ही लगानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिव लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे साइजिंग जो है वो रिस्पॉन्सिव ही होनी चाहिए। अगर मैं नीचे हूँ एक्सपेरिमेंटल में, तो यहाँ पे बैनर लगाते वक्त वार्निंग देगा ये हमेशा की तरह, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हमें यूजर इंटरफेस में आना है, मेन चीज़ की तरफ पढ़ेंगे हम। यहाँ पे लेबल जो है, लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे हाइट और विड्थ दोनों जो है हमें फील पैरेंटल करनी है। ओके दोस्तों, दोनों जो है वो फील पैरेंटल करनी है। लेबल 1 कट कर देंगे हम, कुछ रखना नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि कोई भी रखना नहीं चाहेगा यहाँ पे लेबल 1। अब उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है एक्सपेरिमेंटल में, लेफ्ट साइड में पैलेट में नीचे आके लेफ्ट एक्सपेरिमेंटल में। तो यहाँ पे थिंकेबल आपको दो डेटाबेस प्रोवाइड करता है, एक तो स्प्रेडशीट है, उसके बाद क्लाउड
हमारी डेटाबेस है, तो हम स्प्रेडशीट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि काफ़ी सिंपल है। तो स्प्रेडशीट हमने जो है वो एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे एक नॉन विजिबल कंपोनेंट होने के कारण नीचे दिख रहा है नॉन विजिबल कंपोनेंट स्प्रेडशीट वन। तो अब यहाँ पे हम इसको ऊपर आएंगे इस स्प्रेडशीट में, और यहाँ पे अब जो है हमें फिर से एक्सपेरिमेंटल में जाना है। एक्सपेरिमेंटल में यहाँ पे जो एक स्प्रेडशीट का ऑप्शन मिलेगा हमें, इस पर क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करना है और एक क्लाउड स्टिच जो है इसको ओपन कर लेना है। तो ये देखिए क्लाउड स्टिच ओपन हो चुका है, ये है डेटाबेस हमारा। तो अगर आपने आपने जो है वो यहाँ पे आते वक्त जो है साइन अप कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी है तो कोई ज़रूरत नहीं साइन अप की, आप डायरेक्टली लॉग इन कर लीजिए अपने यूज़र नेम से। साइन अप पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अपना नाम डालूंगा और जो है पासवर्ड एंटर कर दूंगा, और ये कोई कंफर्मेशन लिंक वगैरह नहीं भेजता, तो आप को कोई ज़्यादा डरने की वगैरह पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने डेटा बेस में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले विजेट्स को सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद स्प्रेडशीट एआईपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, गूगल ड्राइव को रख देना है। प्रोजेक्ट नेम जो होगा आपका वो होगा, आप अपने मन पे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट वन सेट कर देता हूँ, या फिर सिर्फ टेस्ट जो मेरे ऐप का नाम है टेस्ट। सो टेस्ट और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, क्रिएटिंग अ क्लोन। यहाँ पे क्लोन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ। तो आ गए हमारे, तो यहाँ पे हो चुका है। तो अब ओपन एडिटर पे क्लिक करेंगे हम। तो अब यहाँ पे आपके सामने जो है वो दिख रहा है स्प्रेडशीट एआईपी। तो अब यहाँ पे हमें एडिट ऑन गूगल पे क्लिक करना है। तो ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके सामने जो है वो है इसकी स्प्रेडशीट जो है वो ओपन हो चुकी है। स्प्रेडशीट ओपन होने के बाद अब यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है लिंक इनबिल्ट जो है वो कट कर दूंगा। यहाँ पे हेलो देयर भी कट कर दूंगा। यहाँ पे हम डालेंगे C1, यहाँ पे मैं डालूंगा C2, यहाँ पे होगी R1 और यहाँ पे होगी R2। तो ये हो गया अब यहाँ पे R2। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए यहाँ पे स्पेस, तो आप यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉलम रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। तो यहाँ पे आप ज़्यादा कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, ये रिकग्नाइज करने में आसान हो जाता है सिस्टम को, इसलिए हमने ऐसा सिस्टम ऐसे ही रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप अगर आप कॉलम 2 में जो लिखना है वो लिख लीजिए, और जितना बड़ा लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए, ये अपने ऐप में आपके ऐप में शो होने लग जाएगा। और अभी हमें यहाँ पे सिंक वगैरह करना है बाकी है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम 1 में डालेंगे यहाँ पे जो हेलो, तो यहाँ पे मैंने इतना डाल दिया हेलो एम अक्षय। तो अब यहाँ पे जो है हमें इधर आना है, और यहाँ पे सिंक विथ योर टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है, तभी ये जो है वो टेम्पलेट पे सिलेक्ट हो जाएगा और सिंक हो चुका हो जाएगा, नहीं तो ये अपडेट नहीं होगा ऐप में। ये करना है हमें। तो अब सबसे पहले हम टेस्ट में आएंगे। टेस्ट में आने के बाद नीचे नीचे जो है आपको ये प्रोजेक्ट कोड वगैरह एंड पॉइंट एआईपी एंड पॉइंट जो दिख रहा है इसको कॉपी करना है हमें। तो सबसे पहले टेस्ट 1 तक ही कॉपी कीजिए, कुछ ज़्यादा कॉपी नहीं करना है। यहाँ पे कॉपी फिर, और यहाँ पे आके एपीआई एंड पॉइंट पे ले जाना है। ये हो गया यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे हमें करना है एक डालना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क DEV इक्वल टू डालना है TRUE ट्रू। ये इतना जो है इतना कॉपी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क और उसके बाद का एंड पॉइंट।
ये कॉपी कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वो होने के बाद अब यहाँ पे फिर से क्लाउड स्टेज में आना है। यहाँ पे इधर आने के बाद चेक कर लीजिए आप रो कॉलम वगैरह आपने कैसा डाला है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे थंकेबल पे हमें वो काम करना है। तो अभी हम देखेंगे आगे का जो है वो। तो अब हमें सीधे जाना है ब्लॉक्स पे। ब्लॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे हमें स्क्रीन वन जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ब्लॉक्स पे, स्क्रीन वन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन वन इनिशियलाइज डू पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे खींचते हुए लेके आना है। यहाँ पे स्प्रेडशीट वन पे क्लिक करना है और गेट ऑल डेटा पे क्लिक कर देना है। गेट ऑल डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ जो करनी है हमें वो भी हमारे यहाँ पे स्प्रेडशीट पे ही क्लिक करना है, और व्हेन स्प्रेडशीट आफ्टर गेट ऑल डेटा इसको क्लिक करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे जो होगा लेबल पे क्लिक करना है। लेबल पे यहाँ पे नीचे आना है हमें और देखना है यहाँ पे टेक्स्ट के सेट लेबल वन टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर देना है। तो अब यहाँ पे हमें इस लेबल पे क्लिक करने के बाद फिर से स्प्रेडशीट में आना है, और यहाँ पे जो है गेट कॉलम नेम एंड रो नेम, तो इसको खींचते हुए यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पे अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पे दो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और दो ब्लैंक टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए, डुप्लीकेट ले लीजिए और अटैच कर लीजिए। अब यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर जो है कॉलम नेम जो है ना, यहाँ पे आपने जिस कॉलम में डाला है C2, तो कॉलम नेम जो होगा C2 है, कैपिटल हुआ कैपिटल देख लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो रोज लगा दिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे नीचे डब्बा लगाने के लिए। यहाँ पे आपको रो नंबर जो है वो लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो है वो कॉलम सेट नहीं होगा अपनी जगह पे। अगर मैं यहाँ पे कट करूँगा और इसको सिर्फ खाली लगाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कट यहाँ पे जो है वो फिट नहीं बैठेगा, और अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे एकदम से सेट हो जाएगा। पर यहाँ पे रो नंबर लगाना है दोस्तों, हमें रो नंबर लगाना है और यहाँ पे कॉलम नेम जो है वो डालना है, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का आप देख लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है, आपका ऐप वगैरह ऐप में कोई काम बराबर हो ही नहीं सकेगा दोस्तों। तो अब हमारा ये जो काम है डायनेमिक ऐप का वो कंप्लीट हो चुका है। हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और सेव एपीके टू माय कंप्यूटर और प्रोवाइड क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप जो जैसा करना है कर सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी आसानी से हमने यहाँ पे ऐप बना लिया है, और अब यहाँ पे कुछ भी काम विदाउट अपडेट अपडेट के यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।